तो चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, अल्कोहल फिनोल ईथर में एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए हम लोग इसी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ राइट डाउन द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग, सबका आईपीएससी नाम लिखना है ना, है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है अल्कोहल फिनोल ईथर का, कितना आसान है यार, इससे भी आसान कुछ हो सकता है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन चूज कीजिए भाई, ये ब्रांच आ गया, ये ब्रांच आ गया, ये ब्रांच आ गया, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ गया। नाम लिखने से करेंगे 1 2 3 पर आ रहा है सीनियर, यहां 1 2 3 पर आ रहा है, लेकिन 1 2 पर एक ब्रांच जा रहा है, 2 पर दो दो ब्रांच जा रहा है। नाम लिखने से करेंगे 1 2 3 4 और 5, सबसे पहले ब्रांच चेंज कराना 2 पर है ना, दो दो मिथाइल है 2 2, और एक कहां पे है 4 पर, कितना हो गया ट्राई मिथाइल, ठीक है। और 5 कार्बन के लिए क्या हो गया पेंटेन, और लास्ट में ऑल भी है कहां पे, तो 3 पर क्या हो गया ऑल हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज कीजिए, ये सिंगल फंक्शनल ग्रुप, सिंगल फंक्शनल ग्रुप ऑल ऑल हो गया, ये इथाइल हो गया। नंबरिंग किधर से करें भाई, एक दो, इधर सिंगल फंक्शनल नजदीक आ रहा है 1 2 3 4, यहां 5 यहां 6 यहां 7, पहले इथाइल का नाम, तो 5 पर क्या हो गया भाई इथाइल, 7 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हेप्टेन, ठीक है। और एक ऑल यहां पे, एक ऑल यहां पे, तो 2 पर है पहले और फिर कहां पे 4 पर क्या हो जाएगा डायोल। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका नाम लिखो, लंबा चेन चूज करो ना भाई, ये सीनियर ये सीनियर, यहाँ 1 2 3 और 4, 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन, और 2 पर और 3 पर 2 3 क्या हो जाएगा डायऑल, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखने कोशिश करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले सीनियर फंक्शनल ग्रुप देखिए, तो यहाँ ये सीनियर ये सीनियर ये सीनियर, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या हो गया प्रोपेन, प्रोपेन, और 1 पर 2 पर 3 पर, तो 1 2 3 कितना बार हो गया भाई ट्राईऑल, बस है ना। इसका नाम याद करिए, अभी बताए थे इससे पहले है ना, इससे पहले मैं आपको बताने की कोशिश किए थे, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि अगर बेंजीन है OH ग्रुप है तो उसको फिनोल कहते हैं, ठीक है। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई इसका नाम 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल, और बेंजीन और OH को हम लोग क्या कहेंगे फिनोल कहेंगे। ये सिंपल एक और नाम कॉमन नाम बताए थे दोनों लगातार, इसलिए इसको ऑर्थो, ऑर्थो पर क्या है मिथाइल है, और इसको क्या कहेंगे फिनोल कहेंगे। यहां भी उसी तरह से, यहां देखिए तो दोनों दो दो कार्बन छोड़कर इसको पारा, पारा पर क्या छुटा हुआ है पारा पर मिथाइल, और बेंजीन वो इसको हम लोग क्या कहते हैं फिनोल कहेंगे। या फिर एक और नाम इसका नाम ले सकते हैं, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, 4 पर क्या हो जाएगा भाई, तो 4 पर मिथाइल हो जाएगा है ना, 4 पर क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा, और बेंजीन और वो इसको हम लोग क्या कहते हैं फिनोल कहते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, यही सब बस, एनसीईआरटी में बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ, ये भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां भी देखिए तो यहां नंबरिंग कैसे करेंगे सिंगल, यहां तो 1 यहां 2 यहां 3 यहां 4 यहां 5 यहां 6, ये ब्रांच हो गया ये ब्रांच हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका 2 पर और 5 पर क्या हो जाएगा डायमिथाइल, और बेंजीन और OH को हम लोग क्या करते हैं फिनोल कहेंगे, ठीक है। नाम ध्यान रखना एक ही लाइन में लिखा जाता है ना, एक ही लाइन में आप लिखेंगे। यहां भी देखने की कोशिश करेंगे, यहां सीरियल यहां 1 यहां 2 यहां 3 यहां 4 यहां 5 यहां 6, ये मिथाइल हो गया ये मिथाइल हो गया, तो 2 पर और 6 पर क्या हो जाएगा डायमिथाइल, ठीक है, और क्या हो जाएगा फिनोल हो जाएगा। बस यही तो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, बहुत टफ तो नहीं है, केमिस्ट्री वैसे भी क्या होता है आसान होता है, ठीक है, केमिस्ट्री वैसे भी आसान है। तो ये क्वेश्चन अगर देख लेने कोशिश किए तो हम लोग और भी क्वेश्चन देखने कोशिश करते हैं। देखिए जो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन, चलिए हम बात करते हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड का आपका स्ट्रक्चर ड्रा करना है, जिसका आईपीएससी नाम है ना, स्ट्रक्चर आईपीएससी नाम दिया हुआ, तो आईपीएससी नाम दिया हुआ इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 2 पर मिथाइल होना चाहिए, ब्यूटेन 2 ऑल होना चाहिए, सबसे पहले जड़ पकड़िए ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और अल्कोहल भी है 2 पर मिथाइल, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ब्यूट, ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये ब्यूटेन हो गया है ना, 2 पर ऑल, 2 पर ऑल हो गया, ठीक है, और 2 पर मिथाइल तो 2 पर मिथाइल हो गया, क्या क्वेश्चन दिया 2 पर मिथाइल, तो 1 2 पर मिथाइल हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो गया है ना, और 2 पर ऑल हो गया, कुछ ना हाइड्रोजन बिठा दीजिए इस तरह से भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन बिठा सकते हैं, एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन 3 होगा,
ये कार्बन चार बार बना चुका है, यहाँ पे देखते एक और एक दो बार बना चुका था, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक तीन हाइड्रोजन होगा, तीन बोन इधर एक बोन इधर, चार बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, वन फिनाइल प्रोपेन टू ऑल है ना, तो वन फिनाइल, फिनाइल का फॉर्मूला C6H5, प्रोपेन टू ऑल, तो सबसे पहले एक दो तीन प्रोपेन हो गया, टू पर ऑल दे दीजिए, ठीक है, इधर वन मानते इधर फिनाइल दे दीजिए, फिनाइल का स्ट्रक्चर इस तरह छाप दीजिए, ठीक है, तो क्या हो गया, वन टू थ्री मेन चेन में आ गया ये वाला, तो वन टू थ्री, वन पर फिनाइल हो गया, टू पर क्या हो गया, वन पर फिनाइल हो गया प्रोपेन, और टू पर क्या हो गया ऑल हो गया, यहाँ हाइड्रोजन बैठा सकते हैं तीन बोन, इधर चार बोन, एक दो तीन बोन, एक हाइड्रोजन बैठा दीजिए, यहाँ पे एक और दो बोन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बैठा दीजिए, बन गया। या फिर यहाँ पे आपको इस तरह से दिया रहेगा, ये स्ट्रक्चर ना देगा तो यहाँ पे C6H5 भी दे सकते हैं ना, ये दिया रहेगा, या फिर यहीं पे C6H5 फिनाली सिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, देखिए दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3,5-dimethyl हेक्सेन, जड़ पकड़िए हेक्सेन है ना, और 1,3,5-triol है ना, नहीं क्वेश्चन देखिए, हेक्सेन जड़ पकड़िए, 1,2,3,4,5,6 छह कार्बन के लिए हेक्सेन हो गया, अब क्या करेंगे, 3 और 5 पर डाइमिथाइल कीजिए, तो 1,2,3,4,5 यहां पे मिथाइल दे दीजिए, 3 पर 4 पर और 5 पर मिथाइल, 3,5-dimethyl हो गया, अब 1 पर 3 पर और 5 पर, तो 1 पर एक अल्कोहल, 3 पर एक अल्कोहल और एक 5 पर अल्कोहल, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, तो जैसे हम लोग यहां पर उठाने की कोशिश किए तो क्या हो गया, देखिए तो 1,2,3,4,5 तो 3 और 5 पर डाइमिथाइल हो गया, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन हो गया, और 1 पर और 3 पर और 5 पर है ना, देखिए 1 पर 3 पर 5 पर ट्राईऑल हो गया, अब इसमें हाइड्रोजन बैठा सकते हैं, CH3 कर दो, यहाँ CH कर दो है ना, CH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 बन गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, अगला क्वेश्चन 2,3-diethyl फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर छापिए पहले, ये आपका फिनॉल हो गया, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 6, 2,3-diethyl, 2 पर एक इथाइल दे दिए C2H5 और 3 पर भी इथाइल दे दिए C2H5, तो 2 पर और 3 पर डाइथाइल हो गया, फिनॉल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3OH, इसको हम लोग मिथेनॉल कहेंगे, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, साइक्लोहेक्साइल लगा दीजिए, CH2 साइक्लोहेक्साइल, देखिए तो इसका नाम मिथेनॉल हो गया, 1 पर मिथेनॉल, इसको कहते हैं मिथेनॉल, और 1 पर क्या हो गया साइक्लोहेक्साइल, तो 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल या सिंपल साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह दिया हुआ है, 3-cyclohexyl पेंटेन थ्रीऑल, पेंटेन थ्रीऑल है ना, देखिए इधर 1,2,3,4,5 पेंटेन हो गया, ठीक है, 3 पर साइक्लोहेक्साइल, 1,2,3,3 पर साइक्लोहेक्साइल दे दीजिए, 1,2,3,3 पर क्या हो गया साइक्लोहेक्साइल हो गया, और पेंटेन हो गया 3 पर ऑल दे दीजिए, ठीक है, 1,2,3 पर क्या हो गया साइक्लोहेक्साइल, और 5 कार्बन है पेंटेन और 3 पर ऑल, यहाँ हाइड्रोजन बैठा सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन बैठा दीजिए, कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, सब क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ साइक्लोपेंटेन 3-in-1 ऑल, साइक्लोपेंटेन छापिए पहले, तो साइक्लोपेंटेन ये वाला बन गया आपका साइक्लोपेंटेन, 3 पर इन 1 पर ऑल, यहां मान लेते हैं ऑन 1,2,3 यहाँ 4 यहाँ 5, तो 3 पर इन बोल रहा है, बन गया, यहाँ डबल बोन दे दीजिए, साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन और 3 पर क्या हो गया इन और लास्ट में ऑल। ये क्वेश्चन देखिए 3-chloromethyl पेंटेनॉल, पेंटेनॉल जड़ पकड़िए, 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 पेंटेन और 1 पर क्या हो गया ऑल, ठीक है, और 3 पर क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल तो 1,2,3 क्लोरोमिथाइल का फॉर्मूला क्या होगा CH2Cl, ठीक है, CH2Cl को क्लोरोमिथाइल कहेंगे, तो यहां पे देखिए तो क्या हो गया 1,2,3,4,5 तो 3 पर क्या हो गया क्लोरोमिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंटेन और लास्ट में ऑल हो गया, हाइड्रोजन बैठा सकते हैं CH3 यहाँ पे CH2 यहाँ CH है ना, यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH2 और वो ही। कितना आसान क्वेश्चन है, इसी तरह का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, तो ये वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे अगला टॉपिक, तो ये आपका सेकेंड वीडियो था अल्कोहल फिनोल इथर का, इससे पहले फर्स्ट अगर आप नहीं देख पाए तो वो भी देख लीजिए, और ये चैप्टर समझने से पहले आपका फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन का भी वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको भी पहले देख लीजिए तभी इधर आएंगे, ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज बढ़ाते हैं, चलिए थैंक यू वेरी मच।